दोस्तों क्या आपको पता है कि आज से लगभग 3000 BC पहले प्राचीन इजिप्शियंस ने बैम्बू का इस्तेमाल करते हुए कुछ पेनों को बनाया था। उसके बाद से इनमें टाइम टू टाइम काफी सारे चेंजेस होते गए और जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई तो इन्हें और भी ज्यादा बेहतर बनाया गया। मई 1827 में एक रोमानियन इन्वेंटर पेट्रोशिप पोइनारू ने फाउंटेन पेन को बनाया और 1888 में जाकर जॉन जे लॉन्ड ने बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था, जिसने कि पेनों के फील्ड में क्रांति ला दी थी। मगर यार आज के समय पर ना मार्केट में कई अलग अलग टाइप के पेन आते हैं जिनकी कीमत कुछ 2-3 रुपए से लेकर कई हजारों में होती है। जी हाँ, हजारों में। इवन दुनिया में तो कुछ ऐसे भी पेन मौजूद हैं जिन्हें खरीद पाना हमारे तो बस के भी बाहर है। वेल आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे टॉप मोस्ट एक्सपेंसिव पेन के बारे में बताऊंगा जिनकी कीमत जानकर आप एकदम भौचक के रह जाओगे। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो बिना कोई समय गवाए लेट्स बिगिन। नंबर 7 पर है गाइस इटालियन कंपनी मोंटेग्रापा का ये पेन जो कि 18 कैरेट पे और गोल्ड से बना हुआ है। इसे ना मैक्सिकन सिविलाइजेशन से इंस्पायर होकर बनाया गया था और इसलिए तो इसको नाम भी इसी सिविलाइजेशन के नाम पर दिया गया। इस पर मैक्सिकन देवी देवताओं की तस्वीरों को बनाया गया है और ऐसी केवल 20 पेन ही बनाई गई थी। प्योर गोल्ड से बना होना, उस पर बारीक डिजाइन, देवी देवताओं की तस्वीरें इस पेन को इतना ज्यादा महंगा बनाती हैं। और पता है इसकी कीमत कितनी है? 97 लाख रुपए। नंबर 6 कैरेन डी एशे 1010 फाउंटेन पेन। इसके नाम में कहे जो 1010 है ये घड़ी के 10:10 को शो करता है। इसे ना सबसे परफेक्ट और सिमेट्रिक टाइम माना जाता है जो कि सबकॉन्शियसली हमारे ब्रेन को अट्रैक्ट करता है। और इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि काफी सारी वॉच कंपनीज अपने एडवर्टाइजमेंट में इसी टाइम को शो करती हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो सके और उनकी सेल भी ज्यादा से ज्यादा हो। तो यार कुल मिलाकर ऐसी केवल 10 पेन ही बनाई गई थी और हर एक पेन पर डायमंड्स भी लगे हुए थे और इसकी जो कीमत है वो है 1,10,00,000 रुपए। इसके बाद आता है दोस्तों मॉन्ट ब्लैंक का प्रिंस रेनर 3 लिमिटेड एडिशन 81 पेन। दरअसल सन 2005 में मोनेको के एक प्रिंस हुआ करते थे प्रिंस रेनर 3, उनकी ना 81 साल की उम्र में मौत हो गई थी। तो बस उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए कंपनी ने इस लग्जरी पेन को बनाया। इस पेन पर गाइस काफी सारे रूबीज लगे हुए थे और ये पेन देखने में भी काफी ज्यादा सुंदर लगती थी। पर्सनली इस कैटेगरी में जो इस पेन का डिजाइन है वो तो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। और अगर मैं इसकी कीमत बताऊं तो वो है 1,84,00,000 रुपए। नंबर 4 कैरेन डी एशे ला मॉडर्निस्टा डायमंड पेन। दोस्तों ये पेन कैरेन डी एशे जो कंपनी है उसके द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे महंगी पेन है जिसे इन्होंने मैं 6 महीनों के अंदर तैयार कर दिया था। और भाई हीरे मोती लगी होने की वजह से इसकी जो कीमत है वो है 2,10,00,000 रुपए। नेक्स्ट है गाइस मॉन्ट ब्लैंक का मिस्त्री मास्टरपीस पेन जिसे की कंपनी ने अपने 100 साल पूरे होने की खुशी में बनाया था सन 2007 में और ये भी यार बड़ा महंगा है, 4.5 करोड़ रुपए। नंबर 2 दुनिया की दूसरी सबसे महंगी पेन है अरोरा की द अरोरा डायमेंटे। ये पेन दोस्तों अपने आप में काफी ज्यादा सुंदर है क्योंकि इसे ना प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। इस पूरी पेन में हीरे लगे हुए हैं और इसकी जो नेब है वो भी 18 कैरेट के प्योर व्हाइट गोल्ड से बनी हुई है। हर साल गैस किसी एक लग्जरी आदमी को ये पेन पूरे साल के लिए गिफ्ट की जाती है। और फ्रेंड्स पता है इस पेन की प्राइस है $1.4 मिलियन यानी कि अपने इंडियन रुपीज में 11,02,84,000 रुपए के बराबर। नंबर 1 तिबाल्दी फर्गन नॉक्टर्न्स दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव पेन। गाइस अपने जैसी एक अकेली पेन है, इसकी कोई भी दूसरी कॉपी मौजूद ही नहीं है और इसको एक अनोखी टेक्निक डिवाइन प्रोपोर्शन ऑफ फाई का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव पेन पर 943 डायमंड्स और 123 रूबी लगे हुए हैं। इसे शंघाई की एक नीलामी में 54.50 करोड़ रुपए में बेचा गया था। मगर यार हमारे तो ये वाले पेन ही बढ़िया है, हम इन्हीं पर फोकस करेंगे। आप मुझे कमेंट से बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।